सोशल मीडिया पर कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। कथावाचक आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर ये कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र की एक संस्था ने लगाया है। बागेश्वर धाम सरकार से प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर खुलकर अब अपना बयान जारी कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, हिंदू शेर है, भगोड़े नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा तो उन पर भी सवाल उठाए हैं। भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगे गए हैं तो हम तो आम इंसान हैं, हमें कब छोड़ेंगे। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा अनुमूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाए। संस्थान ने कहा कि अगर धीरेंद्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। कहा जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वे वहां से भाग गए। हालांकि लोगों का कहना है कि वे डरकर नागपुर से भागे हैं, लेकिन आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वे किसी से डरे या चुनौती से नहीं वापस आए हैं, उन्हें किसी के भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि हम 7 दिन ही कथा करते हैं। बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, जिसे चमत्कार देखना हो वो बागेश्वर धाम आ जाए। उन्होंने कहा कि श्याम यहाँ रायपुर आए, टिकट का खर्चा मैं दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कहा कि हम दावा नहीं करते हैं कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है, हमारे ईष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफ को दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार करना गलत है। अब आपको बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इतना ही नहीं, YouTube पर भी उनके कथा को लाखों लोग सुनते हैं। उन्हें कई जगह से कथा का बुलावा भी आता है। नागपुर में भी 13 जनवरी तक उनकी कथा का आयोजन होना था, लेकिन वह 11 जनवरी को ही वहां से वापस लौट आए। इसी के बाद से उन्हें लेकर विवाद बढ़ता चला गया। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कहा जाता है कि वह लोगों की मन की बात को पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्री दरबार में आए व्यक्ति का मोबाइल नंबर और घर में रखी चीजों के बारे में भी बता देते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को उनकी शक्तियां सबके सामने साबित करने की चुनौती दी थी। इस मामले पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। हालांकि द वंदे भारत इस पूरी खबर की पुष्टि नहीं करता है, फिर भी हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस पूरे मामले पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। नमस्कार।